में कॉलेज में इतना टाइम हो गया, किसी पे मजा आ गया कि क्रश आ जाए, बट पहली बार अंजू का आया किसी पे क्रश। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे अभी 10:30। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत तो करनी थी। तो दोस्तों आज क्लास नहीं चल रही हमारी, तो दोस्तों क्लास तो आज हमारी चल नहीं रही है। तो यहाँ पे चल रहा है आज प्यारे फाउंडेशन से क्या आ रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे आज हाँ वो हो रहा है, तो इसलिए क्लास नहीं चल रही। हमने भी सोचा क्यों ना पहली बार हम भी इसमें थोड़ा सा भाग ले लें, क्या पता क्या हो जाए। तो मतलब मेरे जो क्लासमेट हैं कोई आया नहीं, बस हम ही 4 और एक वहाँ पे है 5, बस 5 लड़कियाँ आई हैं हमारी क्लास से। एक और है वो तो बस आगे पे ही रहती है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डर लग रही है मुझे। तो उन्होंने कहा कि अपने हाथ का ये क्या बोलते हैं इनको, अंजू ऊपर ऊपर करना है और यहाँ पे सुई लगनी है। तो देखते हैं आज हमारे ग्रुप में क्या क्या कमियाँ निकल के आती है। दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में, डर तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है दोस्तों। दोस्तों तो यहाँ पे आ गया है अभी, यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं बायोडाटा लिखना है, हम भी इसमें लिख देते हैं क्या पता। तो वो बोल रहे कि जिसके फेस पे पिंपल्स विम्पल्स हो वो भी आ सकते हैं। तुम जाओ पूछ, नहीं देख नहीं रहे हो इतने पिंपल्स हैं फेस पे, दूर से ही आपको हमें बुलाना चाहिए था। है सब ठीक ठाक, अभी और ही दर्द वही। तो अच्छा लगा ना इतनी भीड़ में इंतजार किया, फिर चलिए आप घर। ब्लड चेक करवाने के बाद मैं और अंजू जैसे ही घर की तरफ निकल रहे थे कि तभी हमें रास्ते में सर ने रोक लिया और सर ने कहा क्या आप लोग रिंगाल की चीज़ों में ऐसे कुछ पार्टिसिपेट करोगे। हमने उस टाइम कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो ली नहीं, हम भी सर के पीछे पीछे चले गए। तो हम पहुँचे सीधे इस वाली क्लास में और क्लास में आते ही हम बैठ गए सीधे नीचे ज़मीन पर। तो पता है दोस्तों मैं क्या सोच रही थी बैठी बैठी, कि जब हम स्कूल टाइम में रहते थे ना तो ऐसे ही चटाई में बैठ जाते थे, वो भी क्या दिन थे यार। उसके बाद हमें मिली एक प्यारी सी डायरी पेन और बाहर से एक प्यारी सी फाइल। तो पता है दोस्तों मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि मैं घर जाके इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रखूँगी। तो अंजू ने कहा हाँ ये आइडिया सही है। तो दोस्तों अब चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते, मतलब जिसके लिए मैं आई हूँ इस क्लास में उसके बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों यहाँ चल रहा है रिंगाल से रिलेटिव कुछ कार्यक्रम, जिसमें मतलब रिंगाल से जो भी चीज़ें बनती हैं हमारे पहाड़ों में, टोकरी सूपे गुलदस्ते जितनी भी रिंगाल से रिलेटिव चीज़ होती है ना, मंदिर जो भी हो, तो हमें यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें ये लोग हमें बाहर से लोग हमें सिखाने वाले हैं और हम इनसे सीखेंगे। तो दोस्तों चलो देखते हैं कैसे बनता है क्या बनता है, फर्स्ट टाइम है और हमने भी इसमें पार्टिसिपेट करा। दोस्तों तो यहाँ पे सारे अपने अपने ग्रुप में और हमारे ग्रुप में हम 4 हों। हमें मिला है एक चाकू, क्या गनती है प्योर मम्मन। तो हमने अपना ग्रुप चेंज करा है और हमारा ग्रुप आ चुका है यहाँ पे, जहाँ पे 2 लड़की, ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है और सारे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ रह गई अंजू। यहाँ पे मिल कर रखे हैं सबको चाकू और ये है रिंगाल की, हाँ रिंगाल। तो इनसे बनने वाली अभी टोकरी, पता नहीं क्या क्या बनेगा, क्या बनाने वाले हो आप? जब पहली बार मेरे मित्र घास काटना सीख रहे हो। वहाँ पे जो दादाजी बैठे हैं वो हमें सिखा रहे हैं, बट हम बस क्या कर रहे देख रहे हैं। शायद हम तीनों कुछ नहीं सीख पाएंगे, हम नहीं सीख पाएंगे, बस भीड़ बनाने के लिए आ रखी है यहाँ पे हम। वही तो जो मेरी मित्र थी अंजू वो दूसरे ग्रुप में जा चुकी है, तो मज़ा नहीं आ रहा है दोस्त के बिना। हंसी नहीं आ रही, वही तो हंसी नहीं आ रही, सही कहा। और यहाँ मेरी थोड़ी दिल को ख़राब हो रखी। तो दोस्तों अंजू का यहाँ कोई क्रश बन चुका है, अभी
बताती हूँ, अभी देखना कैसे देख रही हूँ। अंजू तेरी क्रश अंजू कहाँ है भाई, नजर तो लगा, क्रश पे तो फोकस किया जाए, पिटेंगे हम। ऐसे तेरे हाथ क्या हो गया, देखो ना कितना, वहाँ देख वहाँ दोस्तों, मैं बस वीडियो बना रही हूँ, घर पे जाके सीखूंगी। आप क्या बोलना चाहते हो इसके बारे में? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपना काम अगर मैं घर पे करता तो घर वाले शाबाशी देते, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये सीन भी चेंज हो रहा है। कोई नहीं, टोकरियों का बिजनेस खोलना मुझे तो नहीं लगता है। दोस्तों इसको देख लो घर में, मित्रों सारे लोग तो लगे हुए हैं अपने काम करने पे, बस मैं यहाँ पे बैठी हूँ। पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ आके मैं इतनी मस्ती करूँगी, क्योंकि मैं तो यहाँ बस सीखने के लिए आई थी। नज़र इसकी पड़ी बोल मुझे रही है। दोस्तों पता नहीं आज ना अंजू को 3-4 साल में कॉलेज में इतना टाइम हो गया, किसी पे मजा आ जाए कि क्रश आ जाए, बट पहली बार अंजू का आया किसी पे क्रश, वो भी तगड़ा सवाल। नज़र ही नहीं हट रही उसकी। मित्रों उस टाइम से मैं और ये आंचल तो कुछ बोलेगी, तुझे भूख थी ना लग रही, तो बस खाने के लिए आई ना, तुझे चाय मिली क्या? मैं खाने के लिए भी नहीं आई, मैं जबरदस्ती आई हूँ। दोस्तों चाय मिल रही है, जान में थोड़ा सा जाना है, मैं भी सोच रही हूँ एक डंडा लेके मैं भी लगी रहूँ तो पता नहीं चाय बना, बट अफसोस चाकू नहीं है, ये तो बहाना ना खाली चाकू। अंजू नजर हट रही है, नहीं हट रही। हाँ सच में पढ़ा है, वही तो चल बहुत काम कर तो इन थॉकी वाली। अरे पकड़ यार अंजू। बड़ी मुश्किल से मैंने भी सोचा कुछ किया जाए, काम जो उन्हें आकर नहीं रखी बना ली, बस मुझसे यही नहीं छा उस टाइम उन्हें ना मुझे अब दिया है चाकू और एक बंगाल, क्योंकि तेरी नज़र तो पुलिस वाले पड़ी है ना, नज़र इसकी पड़ी है। मैं तो बस आप तू नजर सारा काम वाम करके हम इतना थक गए थे कि हमें पता चला यहाँ भोजन का इंतजाम करा हुआ है, ये रोटी मांग रही है और अंजू हुई शर्मशार, लेकिन यहाँ पे चावल मिल रहे हैं, बट उन जो एक सामने भी भैया बैठे हैं लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कष्ट करा था मेरे लिए, उन्होंने पूछा था कि रोटी हो सकती है बट हुई नहीं, इसमें वो क्या कर सकते हैं, जो मिलेगा वो तो खाना ही पड़ेगा। हमारे अभी तो थोड़ा सा लंच टाइम है, उसके बाद हम दोबारा से जाएंगे, तो के अब वो दोबारा से करना है ना हमें 5 बजे तक, जो 5 बजे तक है नहीं अभी खाना खाने का टाइम है, उसके बाद दोबारा कनेक्ट कर तो कुछ नहीं रहे हैं, खाने आए हैं लगे हैं। दोस्तों इत्तेफाक है, ठीक है इसे इत्तेफाक बोलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि खाना भी है साथ में, हमें नहीं था पता, हम चले गए अपने इंजॉय के लिए, लेकिन सच में बहुत मजे करे हैं हमने। कुछ बोलोगे कुछ? नहीं नहीं झगड़े मिले ना हमें, ये हमारे दो दोस्त, यहाँ पे एक तीसरा है पर वो अभी आया नहीं। शुक्रिया, खाना खाने के बाद चाय पीने का मजा आई हाई। 500 नंबर छे ना भैया, घर के लेवल ही ना। हां वीडियो मेरे आप भिड़े के बाद नहीं ले, लेकिन अभी पर लाए, अभी जब हम लोग वहां अच्छे इन्हीं को लेगा रात को खाना आग बच। मित्रों तो हमारा खाना भी हो चुका है, कैसे लगा खाना? बहुत अच्छा मजा आ गया। तुम ऐसे नहीं बोल रहे, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमें वहाँ कैंटीन में नहीं मिला था, अब तुमने देख लिया था ना वहाँ पे क्या बना था। जी बिल्कुल, वहाँ पे बना था पूरी आलू सब्जी पनीर, अब वो अजीब सा भी दिख रहा था वहाँ पे कैंटीन में। हाँ कैंटीन का खाना थोड़ा अजीब दिख रहा था, पता नहीं उसमें थोड़ा स्मेल टाइप की थी। यहाँ पे शादी वाली फीलिंग आई हमको खाना खा के, और अब हम दोबारा जाएंगे वहाँ पे जहाँ सारे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जूते नहीं दिख रहे, सारे लोग चले गए भाई। अच्छा रूम पूरा खाली है तब तो हमें यहाँ सुबह से शाम हो गई 4:30 से ऊपर ही का टाइम, और अभी लगे हुए हैं क्योंकि कल हमारी बनने वाली है टोकरी, और सामने में बनती है अभी टोकरी बन के तैयार हो गई है। पक्का
गाइस देखिए आप हमें ये बना रहे हैं और कल हम टोकरी बनाएंगे इस पर। आज हमने इसे छील लिया है, लगे हैं दोस्तों हम सुबह से। टोकरी बन के हो गई है दोस्तों तैयार, और आई होप आप लोगों ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा होगा, है नहीं अंजू? चार से ऊपर और सारे कॉलेज के घर चले गए, बस मैं अंजू और हमारे साथ के दो तीन मित्र और थे तो वो वहीं लगे हुए हैं, बट हमारे थे बिस्तर छत में डाल रखे। आज हम सोएंगे कहाँ दोस्तों, क्योंकि मौसम हो रखा है इतना बेकार सा ना, बारिश आने वाली होगी कुछ ही देर में, तो हमने कहा कि आज जल्दी जल्दी, वैसे तो 5 बजे तक रुकना था बट हम पहले ही आ गए। कैसे लगा फिर आपको? मजा आए दोस्तों, मैंने जितना काम करा होगा या नहीं, लेकिन मेरे कपड़ों पे जो ये कपड़ों ने फरा दिखा दिया, क्या किया क्या किया है मैंने, जो ये रिंगा लग रहा है ना पूरी बॉडी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफी, आज का ब्लॉग होता है मेरा यहीं पे खत्म, और मिलती हूँ आपको आने वाले वीडियो में। हाँ वही तो, और दोस्तों आप रोज 5 दिन तक देखते हैं हम कितना सीखते और कितना करते हैं, आप भी हमारे ब्लॉग में बने रहे कि हम बना पाते हैं या नहीं। तो बाय बाय दोस्तों।